हेलो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा कि सब मीटर की रीडिंग कैसे देखते हैं और मंथली रीडिंग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये मंथली रीडिंग कैसे देखते हैं। आप देख रहे हैं कि इस पर 2544 और इस साइड में लाल कलर है। आप इस लाल कलर को कभी नहीं देखेंगे, समझे। सिर्फ आपको ये देखना है कि इसकी रीडिंग इस टाइम पर 2544 है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मंथली रीडिंग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपने 12/8 को मकान लिया, 12/8/19 को आपने रेंट पे मकान लिया और मकान लेते ही आपने रीडिंग नोट करी 2544। अब आप अपने मकान मालिक को नेक्स्ट मंथ में रीडिंग पे करनी है आपको एज ए 12/9/19 को, और उस टाइम पे आपकी रीडिंग हो रही है 2640। तो आपकी रीडिंग हो गई 96। आप इसमें से माइनस कर लीजिए। ये देखिए, हमने ये 12/8 वाली रीडिंग को 12/9 से माइनस करना है। हमने ये माइनस किया, छब्बीस सौ चालीस माइनस 2640 माइनस 2544, ये हमारी मंथली रीडिंग हो गई 96। अब मान लीजिए कि जब आपने मकान लिया और आपके मकान मालिक से बात हुई कि हम पर रीडिंग का हिसाब 5 रुपये लेंगे, तो आपको इसको 5 से गुणा कर देना है। कई लोगों का मकान का रेट जो होता है वो 5 से होता है, किसी का 6 से होता है, किसी का 8 से होता है, किसी का 4 से होता है, तो आपका बिल हो गया 480 रुपये। इसी प्रकार से ये आपकी 12/9/19 को रीडिंग 2640 हो गई। अब आते हैं उसके नेक्स्ट मंथ पे, आपने फिर अपना 12/10/19 को आपने नेक्स्ट मंथ की रीडिंग देखी, हो सकता है कि आपकी रीडिंग जो है वो 2710 ही हुई, तो आप क्या करेंगे इसमें से, इसको मतलब लास्ट मंथ की रीडिंग से जो आपका नेक्स्ट मंथ है उसकी रीडिंग माइनस करेंगे। जैसे कि हमने पिछली बार इसको इसमें से माइनस किया था, अब इसको इससे माइनस करेंगे। 2710 माइनस 2640 आपकी हुई इस मंथ की 70 रीडिंग, इसकी हुई थी आपकी 96 रीडिंग, और यहाँ तो आपने मकान अभी लिया था तो यहाँ पे 0 थी। अब आपकी हो गई 70 रीडिंग। आपको फिर वही करना है, 70 गुणा में 5 आपका बिल हुआ 350 रुपये। आप फिर जब नेक्स्ट मंथ आएगा 12/11 को, हो सकता है आपने मकान 11 तारीख को लिया हो, 15 को लिया हो, 20 को लिया हो, या हो सकता है कि आपने मकान 12 तारीख को लिया हो, बिल आप 14 तारीख को दे रहे हो, वो आपके ऊपर। आप जिस दिन भी बिल दे रहे हो उस दिन तक की रीडिंग देखोगे आपने। 12/11 फिर 19 को आप मान लीजिए कि आपकी रीडिंग सिर्फ 2760 हुई, तो आपकी कितनी रीडिंग हो गई, सिर्फ 2760 माइनस 2710 आपकी रीडिंग हो गई सिर्फ 50। फिर आपने वही करना है, 50 रीडिंग गुणा में 5 5 5 25, 250 रुपये आपका बिल हो गया। इस प्रकार से हम मंथली रीडिंग निकालते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करें और कंफर्म करें। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें।